इस्तेमाल किया है ना। इसके अंदर 8 से 10 हजार लोग भाई, ये मुंबई की बारिश ना क्या बोल सकते हैं इसको भाई। अभी शोभो इस जगह जगह पे ये लिखा हुआ रहेगा फ्री वाईफाई। भाई लोग परमिशन लेके उधर ऊपर तक जाएंगे हम लोग, समझ रहे हो? परमिशन छोटी बॉडी भी नहीं है, राइट साइड पे। सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू डे, नवा वीडियो में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग जा रहे हैं गोराई में। गोराई में हम लोग वैसे गोराई में ही रहते थे, आप लोगों को बरौली से वीडियो डाल देगा मैं अभी। सो टाइटल और थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल गया रहेगा। हाँ बॉयज, वी आर गोइंग ग्लोबल विपसना पगोडा जो कि गोराई में है। सो गाइस, ये मुंबई की बारिश अनएक्सपेक्टेड, कभी भी किस टाइम पे भी हो सकता है, तो इसलिए मानसून सीजन में पगोडा जाने के लिए बहुत अच्छा रहता है। कोई वीर वीर गचरी का सीन नहीं रहेगा उधर। तो अगर आप लोग का आना रहेगा तो आप लोग बस से आ सकते हो इधर तक। ये अपना गोराई खाड़ी का बस स्टॉप। सो भाई लोग इधर पे आके रिक्शा रुकते हैं। सो यहाँ से आगे हम लोग जाते हैं पगोडा के पास। तो फिर यहाँ तक आने के लिए बस से सिर्फ होता है 6 रुपीज़ 294 के बस पे, और उसके बाद रिक्शे से आ सकते हो स्टेशन के पास से, अपना 20 रुपीज़ में आ सकते हो तुम लोग। सो ये है टिकट काउंटर, यहाँ से आप लोग टिकट ले सकते हो वाटर किंगडम और खाली पगोडा के लिए, गोराई का नहीं ले सकते इधर से। सो बॉयज, मैं बोला ना जैसे कि मानसून सीजन है, बेस्ट टू गो ओवर देयर। जैसे कि देख रहे हो बारिश में एक नंबर लग रहा है, उधर ही अपने लोग को जाने का है। वहाँ से टिकट काउंटर पे से ओनली 70 रुपीज़ में टिकट मिल जाएगा गोइंग एंड कमिंग। उसके बाद आप लोग को ये वाले बोट के अंदर जाने का है, इधर से लेकर उधर तक जाती है, सीधा उधर तक। आप लोग इधर से भी जा सकते हो बाय रोड, आप लोग इस वाले बोट से भी जा सकते हो, और नदी की दूसरी तरफ से आप लोगों को फिर से रिक्शा लेना पड़ेगा। भाई लोग इस बोट का टिकट वहाँ से लेते हैं, दिखा देता हूँ आप लोग को। अगर आप लोग गोराई के बोट से आते हो तो पर पर्सन 15 रुपीज़ चार्ज होएगा टिकट का, और आप लोग बाइक भी ला सकते हो 30 रुपीज़ में। सो भाई लोग, ये अपना टिकट काउंटर राइट हैंड साइड की तरफ, और उसके बाद आप लोग आगे आओगे रिक्शा लेने के लिए। फिर आप लोग को ये राइट हैंड की तरफ रिक्शा दिख रहा रहेगा, फिर उसको रिक्शा वाले अंकल को बोलने के हम लोग को पगोडा जाने गए। सो गाइस, आप लोग इधर से आओगे रिक्शा लेके, फिर आप लोग इस एंडिंग तक पहुंचोगे, उधर अपना एसएलओ का पार्किंग रहता है, और ये सीधा रोड गोराई बीच तक जाता है। ले अपना सीधा ले। भाई लोग, आप लोग आओगे इस तरफ से तो आप लोग को खाली सीधा ही आना है। सो गाइस, इधर से अपना बट पाके ये अल्लू रे। तो भाई लोग, आप लोग पहुंचेगी कुछ इस तरह की जगह पे, इधर से आप लोगों का एंट्री होता है, मतलब एंट्री गेट ही समझो ये, खाली इधर से आप लोग खाली सीधा जाने का है। सो भाई लोग, रिक्शा भी उधर तक ही जाता है 100 रुपए में पूरा एंडिंग तक। सो भाई लोग, यहाँ पे पहुँचने के बाद आप लोग आगे भी पार्किंग कर सकते हो, पर हम लोग ने इधर ही पार्किंग किया। सो गाइस, यहाँ पे आप लोग पहुँच सकते हो रिक्शा से, रिक्शा आप लोगों को 100 रुपीज़ चार्ज करेगा खाड़ी पे से, वैसे आप लोगों को दिखा दिया रहेगा मैं वीडियो में। तो बॉयस, अभी हम लोग फिलहाल पहुँच ही गए, आहिस्ता आहिस्ता चल रहे, कोई घाय नहीं है। तो गाइस, जैसे कि मैं बोला, रिक्शा उधर तक आता है, खाली 100 रुपीज़ लेते हैं खाली आप लोगों से, बाकी कुछ भी नहीं। सो वेलकम बैक बॉयज, यू कैन सी हम लोग अभी इधर पहुंच गए, ये अपना म्यांमार गेट। सो इसके अंदर चलते हैं। Come and try me now.
सो गाइस थोड़ा ही ऊपर जाने के बाद लेफ्ट साइड में आप लोग देख सकते हो, लेफ्ट साइड में आप लोग का सिक्योरिटी चेकिंग होता है। फिर बॉयज वापस से निकलने के बाद आप लोग ऊपर जा सकते हो। सो गाइस वहाँ से ऊपर आने के बाद आप लोगों को ये अपना बेल दिखेगा, सो इसको आप लोग बजा भी सकते हो। क्या बोला तूने? सो बॉयज अभी हम लोग को उधर ऊपर जाने के, उधर तक समझ रहे हो, उधर ऊपर तक जाने के। सो गाइज माई बॉयज एंड डियर सिस्टर्स, आप लोग को इधर वॉशरूम भी अवेलेबल है, जो अपना व्हील चेयर पे आते हैं वो लोग को भी अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है। सो बॉयज वी आर राइट नाउ गोइंग अगेन। सो गाइज इधर ही अपना हॉल है, एग्जीबिशन टाइप है, आते कुछ देर के बाद आते इधर। सो फाइनली गाइज वी आर एट द टॉप। ये लोग ने सब जगह पे सोलर पैनल रखे हैं, आजकल बहुत बचत कर रहे हैं लोग। मुंबई का वेदर एकदम ऑर्गेजमिक है। उस दिन निकला था मैं घर से बाहर ये वीडियो बनाने के लिए, पर वीडियो का क्या बोलूं, कौन सी गाली दूं वो भी समझ में नहीं आ रहा। इधर ऐसे प्लेस पे आके गाली देना सख्त मना है बॉयज, तो मेरे जैसे बंदे इधर आओ मत। सो गाइस ये इतना बड़ा है ना कि इतना बड़ा, इसके अंदर 8 से 10 हज़ार लोग फिट हो सकते हैं मेडिटेशन करने के लिए। आप लोग इधर आके मेडिटेशन कर सकते हो। सो गाइज अगर ये आप लोग को अंदर से देखने करेगा तो आप लोग एंट्रेंस पे आ सकते हो, गेट नंबर 7 पे आके आप लोग अंदर से थोड़ा बहुत देख सकते हो। सो भाई उस साइड से आके आप लोग इधर तक आ सकते हो अपना द व्हील ऑफ द अमर। सो गाइज जगह जगह पे ये मिलेगा, आप लोगों को आगे चल के बताता हूँ इसके बारे में। तो भाई लोग यहाँ पे अगर आओगे ना गर्लफ्रेंड को लेके मत आना ब्रो, स्पिरिचुअल प्लेस है ये, समझ रहे हो। मेरे को अगर दिखोगे ना पहले जाओगे, पहले बोल रहा हो, संभाल के आना भाई। ये मुंबई की बारिश ना क्या बोल सकते इसको भाई, अभी 1 घंटे पहले बारिश हो रहा था, अभी फिर से धूप निकली, उसके बाद फिर से बारिश चालू हो गया। अब मैं क्या करूँगा भाई, ये माइक जाएगा ना मेरा करियर खत्म हो जाएगा। सो बॉयज ये अपना इधर से फाउंटेन रहता है, इधर से वाटर फ्लोर होता है, पता नहीं क्यों पर आज ये बंद रखे है, लगता है मानसून का सीजन ही इसलिए। सो बॉयज ये अपना पगोड़ा 1997 में चालू हुआ था बनने का और 2008 में ख़त्म हो गया। भाई लोग बहुत टाइम लिया, 11 साल लिया ये लोग ने बनाने के लिए। सो गाइस उधर से द व्हील ऑफ धामा से इधर राइट की तरफ खाली 2 स्टैचूज है। सो बॉयज जगह जगह पे ये लिखा हुआ रहेगा फ्री वाईफाई। भाई चल PUBG डाउनलोड करते हैं। A few inches later. So guys ये चीज है ना इधर, ये PUBG डाउनलोड करने के लिए नहीं है, इससे आप लोग इसका वाईफाई कनेक्ट कर सकते हो और इसके बारे में आप लोग जान सकते हो। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? So guys ये 2 स्टैचू के पीछे मस्त शांत सा और एकदम चिल पार्क है, यहाँ पे कोई नहीं आता ज्यादातर। जो भी ये मेरा व्लॉग देख रहा रहेगा, मिनी व्लॉग अबाउट पगोड़ा, आप लोग आ सकते हो, पर मानसून की सीजन में आना इट्स यूजलेस बॉयज, क्योंकि बारिश गिरेगा और उसके बाद आप लोग भीग जाओगे। भाई लोग पार्क के अंदर आते ही आप लोग को यह सब दिखेगा, इधर एक टाइप का फाउंटेन था और इसके बाद ये बच्चों लोग के लिए प्ले ग्राउंड ओनली फॉर किड्स वहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है। और उसके बाद यहाँ आते या इस चीज पे अपना द अशोका पिलर, भाई बहुत बड़ा है जैसे कि देख रहे हो, द मॉन्यूमेंट ऑफ पीस। वहाँ पे कुछ 2 पुतले थे, उसके बाद हम लोग पहुंचे यहाँ पे सायाजिन यू बाकिन, भाई नाम तो देखो भाई खतरनाक खतरनाक है ये लोग का। सो गाइस राउंड राउंड घूम के भाई पहुंच गए कुछ इस तरह की जगह पे। गाइस
वापस से आने के बाद मुझे कुछ दिक्कत है। देखो गुरुजी निवास भाई, इसको निवास को जीवास मत करो, पहले बोल रहा हूँ भाई। इधर आके ना सब व्लॉगर आते इधर और जगह का नाम बदनाम करते, वैसा करो मत। मैं फनी वे में बता रहा हूँ आप लोग के लिए, इसलिए। सो गाइस, हम लोग आगे नॉर्थ से सीधा साउथ तक, साउथ साइड ऑफ पगोडा, जैसे कि देख सकते हो सेक्सी लग रहा है बॉयज। हो रहा है मेरे कि हम लोग इधर आते हैं, देखो। सो गाइज, इफ दिस वीडियो गेट्स 10,000 लाइक्स वील गो देर टॉप, ठीक हो आप लोगों को? भाई लोग परमिशन लेके उधर ऊपर तक जाएंगे हम लोग, समझ रहे हो? परमिशन लेके जाएंगे, ऐसे ही नहीं जाएंगे। सो गाइज, विम ब्लास्ट बहुत ज्यादा आ रहा था क्योंकि मैं माइक ही नहीं लगाया, क्योंकि ये लोग ने मेरे को व्लॉग करने दिया नहीं। पर अभी मेरा प्लान बन रहा है नीचे जाने का, सब चीज पे जाके देखने का। सो गाइज, उधर से ऊपर से नीचे आने के बाद आप लोग को इधर वीडियो हॉल, लाइब्रेरी, मेडिटेशन हॉल, फोटो गैलरी, पेंटिंग गैलरी सब दिखेगा। भाई मजाक कर रहा हूँ, इधर जेब में एक फूटी गाड़ी भी नहीं है, समझ रहे हो? सो बॉयज, मुझे आके पेंटिंग गैलरी नहीं मिला, पर देख सकते हो फोटो गैलरी मिल गया। मैं बोला था ओपन इन 2009, कैपेसिटी 8,000, 10,000 ही बैठ सकती इसके अंदर। इसी की देख सकते हो, इधर से अंदर जा सकते हैं आप लोग। समझ रहे हो? उधर से सोचते आ रहा था 69 नंबर वाला पेंटिंग कैसा रहेगा, तो चलो देखते हैं। सो गाइस, जितने भी पेंटिंग देखे ना उधर, सब जिसने भी बनाया रहेगा ना ब्रो, बिग थम्स अप फॉर यू। थम्स अप सर, थम्स अप, थम्स अप नहीं भाई लोग। सो गाइज, वीडियो गैलरी के अंदर जाके आप लोग जान सकते हो पूरा हिस्ट्री इसके बारे में। दूसरा बेल इस साइड को, वो लेफ्ट साइड को है, और ये राइट साइड को है। तो गाइज, अगर आप लोगों को कुछ इधर खाना रहेगा, खाना पीना सब मिल जाएगा। यहाँ तक आप लोग आ सकते हो फूड प्लाजा पे, सब कुछ मिलेगा, दही वड़ा, पानी पूरी, सब कुछ। सो भाई लोग, फूड प्लाजा के बाद इधर आते हैं अपना सबसे बड़ा स्टैचू, उतना ही बड़ा नहीं, खाली मीडियम साइज पे। सो गाइज, ये है गौतम बुद्धा। सो गाइज, स्टैचू के बाद इधर आप लोगों को दूसरा कुछ मिलेगा देखने के लिए। मे ऑल बीइंग्स बी हैप्पी। इसलिए मैं इधर नहीं आता गाइज, अगली बार बोलोगे भी ना वीडियो बनाने के लिए। ये मेरा टाइप का काम नहीं है ब्रो, मेरा टाइप का दूसरा कुछ है। सो भाई लोग, इधर आप लोग को गोला भी मिलेगा, और ये रहेगा अपना गोला वाला। इस टाइप का सीन है कुछ इधर, गो गोला, पर अभी फिलहाल के लिए बंद है भाई, उधर बैठे है लगता है। गाइज, इधर आपको चीज पॉपकॉर्न भी मिलेगा। सो हेलो जी, हम लोग के अभी शॉप के अंदर, तो हम लोग अभी बाहर जा रहे थे, पर आप लोगों को शॉप के अंदर से ही बाहर जाना होगा क्योंकि वैसे ही रोड है। सो गाइस, ये आप लोग ले सकते हो, इसका रेट है 490। अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे से, ये था अपना लास्ट स्टॉप। सो जैसे कि देख सकते हो, ये अपना पहले सिक्योरिटी का गेट था, इधर से तो अपना जर्नी इज ओवर। तो इसके बाद हम लोग जा रहे नीचे। तो भाई लोग, वीडियो कैसा लगा रहेगा तो लाइक कर देना, बाकी कुछ नहीं मांग रहा भाई, खानदान के प्रॉपर्टी का प्रपोज नहीं मांग रहा, खाली लाइक करो, शेयर करो, आइटम को भी शेयर करो भाई, आइटम को मेरा नाम पता चलना चाहिए। और आप लोग को ऐसा पगोडा का वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए, मेरे को पता है नहीं चाहिए रहेगा, फिर भी सब्सक्राइब मार देना। चलो इसी बात पे पीस। सो गाइस, जिसको इधर अपना भाईंदर से आना रहेगा ना, भाईंदर से सीधा बस आते स्टेशन से, 21-22 रुपीस होता है इधर तक, इसी की देख सकते हो।